आज हम मौजूद हैं मेजर अजीज भट्टी शहीद, जो कि पाकिस्तान के हीरो हैं, हमारे नेशनल हीरो हैं, उनके मज़ार पे आज उस उनके मज़ार पे आके मेरे अंदर तो वो जिस तरह वो एक लर्जा तारी होता है ना, वो वाली कैफी। हम इस टाइम मौजूद हैं उस तारीखी कुएं के बिल्कुल पास, बल्कि ऊपर बैठे हुए हैं मेजर अजीज फाइनली शहीद। हम पहुंच चुके हैं सर, हम पहुंच चुके हैं फाइनली वो जगह, वो रूम, वो चार दीवारी जिसके लिए हम इतना लंबा सफर तय करके आए सर। तो कर्नल अनामुल हक साहब इनको लेक्चर दे रहे थे, इन्होंने 15 मिनट लेक्चर सुना है तो इनको नींद आ गई, तो कर्नल साहब देखे हंस पड़े, देखो अजीज भट्टी सोया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद ख़ान। और मैं हूँ मोहम्मद उमर ज़फ़र। और आज हम मौजूद हैं मेजर अजीज भट्टी शहीद, जो कि पाकिस्तान के हीरो हैं, हमारे नेशनल हीरो हैं, उनके मज़ार पे और उनके जहाँ पे उनकी रिहाइश है वहाँ पे मौजूद है। अगर आप हमारे पीछे देखें तो यहाँ पे एक यादगार के तौर पे पाकिस्तान का फ्लैग आपको नज़र आएगा, और बिल्कुल पीछे उनका घर है, रिहाइश है, जहाँ पे हम आपको लेके जाएंगे। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम बना हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। आज का ये जो वीडियो है, जो कि हमारा प्रोग्राम है, ये है पाकिस्तान, द रियल इमेज ऑफ पाकिस्तान। और आज इसी प्रोग्राम की वजह से हम मौजूद हैं। इस टाइम गुजरात से आगे ये जगह बनती है और रोड के पास ही ये, यहाँ से हम चलेंगे पाकिस्तान की जो रियल इमेज है हम आपको बताएंगे। जी ऑब्वियसली सर, ये बिल्कुल आज हम मौजूद हैं मुहाफिज लाहौर निशान हैदर और उस अजीम शख्सियत के पास आज हम मौजूद हैं, और हम बिल्कुल इतना एक दूर सफ़र करके इसलिए आज आए हैं कि हम वो सारे फैक्ट्स, और आज हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो कि बिल्कुल ब्लड रिलेशन जिनका मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के साथ है, और आज आपको वो सारे फैक्ट्स भी हम बताएंगे, वो सारी डिटेल भी सर मैं आपके साथ शेयर करेंगे, कि जो अमूमन तो अक्सर काफ़ी ज़्यादा पहले भी एफ़र्ट्स हो चुकी हैं, लेकिन हम आज कोशिश करेंगे कि उन सारी एफ़र्ट से बढ़ के आज वो चीज़ें आपके साथ शेयर करें ताकि हमारा इधर आने का मकसद पूरा हो सके। और बिल्कुल आज हमारे पास उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके चचाजाद हैं, और उनके साथ भी हम बात करेंगे, उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो चलते हैं उनकी तरफ और उनसे ज़रा हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, उनके जो असल हकायक हैं। मैं समझता हूँ कि जो उन लोग जो उनके बिल्कुल करीब रहे हैं और जिन्होंने वो बता रहे थे कि उन्होंने खुद ही उनको अपने हाथों से कब्र में उतारा है, तो ऐसे लोगों से हम आपकी बात कराते हैं। असल जो फैक्ट्स हैं, वो चीज़ें जो शायद आपको आज तक ना मिली हों, हम आपको अपने चैनल एस एफ टी वी में दिखाएंगे, तो चलते हैं उनकी तरफ। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मेजर अजीज भट्टी के जो फैमिली मेंबर हैं, उनसे कुछ हकायक के बारे में पूछे। इस तरह मैंने आपके अभी शेयर किया है कि हम वो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जो उनके बिल्कुल करीबी जो रिश्तेदार हैं उनके हवाले से, तो चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बाबा जी, एक ये बात बताएंगे, जब थोड़ा सा इस चीज़ को आप रोशनी डालेंगे, जब जनाजा आप लेके आए थे और यहाँ पे, उस वक्त घर की कैफियत क्या थी? थोड़ा सा ये सुनने में आता है कि इधर बाग था। जी, इधर बाग था, और बाग में इनके वालिद साहब अब्दुल्ला खान, मास्टर अब्दुल्ला खान, उन्होंने कहा कि बेटे की कब्र जो है हम लोग खानगाह के कब्रिस्तान में नहीं निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे। सही, हमारे वालिद साहब जिंदा थे, हमारे वालिद साहब ने कहा कि अब्दुल्ला खान ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि सब लोगों के बहन भाई माँ बाप बाल बच्चा उधर दफन किया है। सही है, लेकिन आपकी मर्जी, हम आपको कह नहीं सकते। उन्होंने कहा इधर ठीक है, यानी कि उधर परहेज कम है, इधर परहेज होगा, दूसरा उधर आने वाले लोग जो हैं वो सलामी करेंगे या ख़त्म जी रखेंगे, दुआ पढ़ेंगे, तो इसलिए इधर से वापस आ जाएंगे। तो जनाब, वो एक चीज़ और जब हम इसको स्टडी कर रहे थे तो एक चीज़ वो सामने आई कि मेजर साहब की जो वालदा हैं, मेजर अजीज भट्टी साहब, जी माई आमना जिंदा थे जी, तो वो जब इधर घर में मेजर साहब का जैसे खाकी लाया गया, तो उसमें से जो ब्लड के कतरे, खून के कतरे जो निकल रहे थे उस वक्त ताज़ा बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह 12 सितंबर को वहाँ पे शहादत, और उसके बाद जिस दिन जिस्ते खाकी घर पहुँचा, तो वो उस हवाले से वालदा साहबा के क्या तासरात थे, वो थोड़ा बता दीजिए। वालदा ने क्या, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का मेरे बेटे को अला शहादत मिल गई है, माशाल्लाह। मैं शुक्र कलमा पढ़ती हूँ कि मेरे बेटे को
अल्लाह शहादत मिली है, शहीद हो जाने का कोई परवाह नहीं है कि मुल्क के लिए और सलाम के लिए और कौम के लिए, और तमाम बच्चे जो हैं हाजिर थे जिन्हें बच्चों की शहीदी शहादत पहनी थी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी हैं, बिल्कुल पीछे यहाँ पे म्यूज़ियम भी मौजूद है और वो सारी जगह मौजूद हैं, वो कमरे मौजूद हैं, वो कुआं एक मौजूद है जो कि उनकी बिल्कुल जेर इस्तेमाल उनकी रही है। तो हम अब कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें आप लोगों को विज़िट करवाएंगे। बिल्कुल साथ ही हमारे मज़ार है, हम आपको मज़ार का विज़िट कराते हैं, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी नाज़रीन इकराम, अभी हम मौजूद हैं अपने उस अजीम हीरो, उस अजीम मर्द मुजाहिद की बारगाह में, उस अजीम मर्द के पास कि जिन्होंने अपनी जान तो कुर्बान कर दी लेकिन दुश्मन को अपनी ज़मीन का एक इंच भी दुश्मन को देना गवारा नहीं किया। और आज मेरे साथ सर जाहिद भी मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले सर आपसे ये पूछूंगा कि सर अभी क्या महसूस, आप क्या कर रहे हैं कि मुझे तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है, वो हस्ती, वो शख्सियत जिसके बारे में हम अपने निसाब में पढ़ते थे, जहाँ से मतलब जिनकी बहादुरी के किस्से सुन सुन के पढ़ पढ़ के हम जवान हुए हैं, आज उस उनके मज़ार पर आके मेरे अंदर तो वो जिस तरह वो एक लर्जा तारी होता है ना, वो वाली कैफियत है। और फिर बिल्कुल पीछे वो तमाम अशिया जो उनकी ज़ेर इस्तेमाल रही हैं, और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये वो लोग हैं, ये वो लोग थे जिनकी वजह से हम अपने घरों में एक पुरसकून नींद सोते हैं। अच्छा उमर, आपने मुझसे तो पूछ लिया, आपने भी डेफिनेटली इनके बारे में पढ़ा होगा, निसाब में मौजूद है, हमारे सिलेबस में है। जी सर, क्या कैफियत है आपकी? सर इस टाइम वो तो नाकाबिले बयान है, लेकिन शायद सर आपने भी ये लाजमी पढ़ा होगा कि आपको याद हो कि 1965 की जंग शुरू होने से पहले मेजर साहब घर में मौजूद थे और छुट्टियां गुजार रहे थे। तो सर अचानक जो ना इनको कंपनी जो इनका कमांडर थे वहां से इनको छुट्टियां मनसूख होने का खत मौसूल हुआ, और इसी घर में जहाँ हम मौजूद हैं इधर जो हॉल के अंदर बैठे डाइनिंग टेबल पे ये अपने बच्चों के साथ मेजर साहब अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहे थे। तो जब लेटर इन्होंने खत मौसूल हुआ उसको इन्होंने खोला तो इनकी जो वाइफ हैं ज़रीना अख्तर साहब साहिबा वो भी उधर मौजूद थी। तो खत खोलते हुए उन्होंने उनको समझ आ गई थी कि ये मामला ख़राब है, क्योंकि उस वक्त मुल्क के हालात हमारे सामने थे। तो सर बच्चे भी मेजर साहब के साथ मौजूद थे, तो इनकी वाइफ ने इनसे पूछा कि क्या छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं? तो मेजर साहब ने हिम्मत के साथ मुस्कुरा के उनको कहते हैं सर में हाँ में सर हिलाया, तो पास ही सबसे छोटा बेटा मेजर साहब को, वो भी टेबल पे बैठे हुए थे, तो वो बेटा मेजर साहब को पूछता है बाबा जान क्या जंग शुरू होने वाली है? तो मेजर साहब कहते हैं हाँ बेटा जंग शुरू होने वाली। तो बेटे ने इस तरह सर ये अपना राइट हैंड को रेज करके कहा बाबा हमने जंग जीतनी है और आपने जीत के आना है। तो सर वो क्या क्या कुछ चीज़ें ऐसी बातें होती हैं जो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह एक और चीज़ भी इनके बारे में है कि जब जंग शुरू थी और उस टाइम एक हाथ देखने वाले ने इनका हाथ देखा और बताया कि जी, बल्कि पूछा उन्होंने कि क्या मेरे हाथ में शहादत की लकीर है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपके हाथ में शहादत की लकीर है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कब होगी। तो उन्होंने साथ ही कहा कि वो वक्त बहुत करीब है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे इशारे होते हैं, और फिर उस मर्द मुजाहिद ने जिस तरह हमने निसाब में पढ़ा, हमने अपने सिलेबस में भी पढ़ा, हिस्ट्री में भी पढ़ा कि कैसे वो टीले पे खड़े होके वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उनको निशाने लगाने के ऊपर जो है वो उनको बताते थे, और जो निशाना वो बताते थे वो सारे टारगेट पर लगते थे, और जिस तरह से दुश्मन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता था। सर मेजर साहब की शहादत से मुझे तो यही एक चीज़ समझ आ रही है कि मेजर साहब ने ये जो नगमे के जो जुमले हैं ना, ये मेजर साहब बिल्कुल बिल्कुल फिट आते हैं। हमारे जितने भी शहादा हैं, जितने भी निशान हैदर जिन्होंने जिनके जिनको मिले हुए हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे हीरो हैं, हमारे आइडियल हैं। जी सर, मैं सिर्फ दो उसके मिसरे पढ़ूंगा, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सर वो मेजर साहब को नगमा अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, लेकिन इनकी बारगाह में खड़े हो गए जो मेजर साहब के जज्बात हैं वो मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन
सर ये देखिए फिर बाकी मेजर साहब ने हक अदा किया है ना। ऐसा ही है सर। अभी जी जनाब अब हम चलते हैं बिल्कुल साथ ही हमारे इनकी जो बेगम है मेजर अजीज भट्टी की जो बेगम है उनकी भी कब्र है उनका भी मज़ार है उनमें आपको लेके चलते हैं। उसके बाद फिर जो मैं एक्साइटेड हूँ वो चीज़ें देखने के लिए एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा कि कहाँ पे वो बैठते थे किस कमरे में वो आराम फरमाते थे और कहाँ पे वो उन्होंने अपने ज़िंदगी का वक्त गुजारा तो आपके साथ शेयर करते हैं। आ जाएं जी नाज़रीन हम इस टाइम मौजूद हैं उस तारीखी कुएं के बिल्कुल पास बल्कि ऊपर बैठे हुए हैं जो कुआं मेजर अजीज़ भट्टी के दादा नूरदीन ने 1924 को बनाया था। और इस कुएं के हवाले से बताते हैं कि जितना भी ये लादियां गांव है कि पूरा गांव जो है यहां से पानी भरता था। तो मैं समझता हूं कि इस हवाले से भी ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और ये वो कुआं है जिसके ऊपर छोटे होते हुए मेजर साहब जो है वो खेलते भी होंगे और पानी भी इस्तेमाल करते हो। क्या कहोगे हमें जी सर? ऑब्वियसली देखे ना ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी मशीनरी और बिल्कुल उस टाइम का उसको बिल्कुल जिस तरह उस ज़माने के अंदर जो कंस्ट्रक्शन थी अपने दौर का एक जदीद तरीन ये मशीनरी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और सबसे अच्छी बात जो मैं समझ रहा हूँ ये है कि अभी तक ये अपनी असली हालत में मौजूद है और ये बहुत एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। सर ये मेरा ख्याल इसको बोकी कहते हैं शायद आप? बिल्कुल ये बोकी। और ये मेरा ख्याल है मैं हमेशा गाँव में अगर हम देखें तो उस ज़मीनों को सैराब करने के लिए जो है इस तरह के कुएँ इस्तेमाल होते हैं और इसके एक गिर्द जो है वो एक जानवर को बैल को बांध दिया जाता है और वो फिरता रहता है और उससे से ये जो कुआँ है ये चलता रहता है और इसमें बोकियों में पानी आता है और फिर ये पानी यहाँ से जाके ज़मीनों में जाके वो उनको सराब करता है। जबरदस्त सर ये मैंने आज पहली बार सुना है ये तो मुझे ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है और ये बहुत मज़े की हिस्ट्री है। हमने खुद मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं गाँव में कि वहाँ पर जो है वो जब कहीं पानी नहीं होता इस तरह कुएँ खोद के फिर यहाँ पे एक जानवर को बांध के और उस तरह से फिर ये पानी लिया जाता था। तो ये आज वो इतना पुराना कुआं देख के मुझे वो पुरानी यादें भी जो है वो सर वो सारी चीज़ें आपकी ताज़ा हो गई हैं। लेकिन सर ये मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी आपने मुझे बताया मैं भी अपने जब आपकी एज में पहुँचूँगा मैं भी अपने से छोटों को इसी तरह बताऊँगा कि मैंने भी ये देखा हुआ है और मुझे इसका इस्तेमाल का भी पता है। तो सर अभी हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल अभी वो लम्हा आने वाला है जिसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो बिल्कुल सामने वो जगह मौजूद है। मास्टर अब्दुल्ला भट्टी जो इनके वालिद साहब हैं उनके नाम की तख्ती भी लगी हुई है और उनके हाथों से बना हुआ वो मकान जहाँ पे ये सब लोग रहते थे और मेजर साहब खेलते थे बड़े हुए और फिर यहाँ से जो है वो जामे शहादत नोश करने के लिए यहाँ से ही वो उस शहादत के रुतबे फायज हुए जाके। तो अभी चलते हैं उनकी तरफ और वो देखते हैं वो चीज़ें देखते हैं आपको भी दिखाते हैं। जी तो जनाब अभी हम मौजूद हैं उसी दरवाजे के सामने उस हिस्टोरिकल प्लेस पे जिधर हम मौजूद हैं मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जब उन्होंने हांगकांग से हिजरत करके यहाँ पे आए तो ये इस दरवाज़े ने उनका वेलकम किया और आज भी ये दरवाज़ा अपनी असली हालत में मौजूद है। ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट चीज़ है और मैं इस चीज़ पर भी ऑनर पेश करता हूँ इस इदारे को। और सर ये देखिए लकड़ी भी बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये बहुत नायाब चीज़ें हैं मैं वही अब बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है। एक तो यहाँ पे जितना भी एक अहाते में इन्होंने बनाया हुआ है और ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि हम किसी दूसरी जगह पे आए हैं और वो सारी चीज़ें मैं इस टाइम अज्यूम कर सकता हूँ कि जो उस वक्त जिस गली से गुजर के वो जाते थे और जिस दरवाजे को वो हाथ लगाते थे हम भी उसी से गुजरने वाले हैं। हम अभी मेन जो घर है वहाँ पे एंटर हो चुके हैं और सबसे पहले यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी जो कि मेजर साहब के वालिद साहब है उनका कमरा है। चले हम कमरे की तरफ चलते हैं और पूरे घर का विजिट आपको करवाते हैं क्योंकि ये घर जो है वो लिंक्ड है एक कमरा दूसरे कमरे के साथ जो है वो लिंक्ड है। तो ये छोटा कमरा है जो कि सिर्फ इतना है कि सिर्फ इसमें एक चारपाई ही बड़ी मुश्किल से आ सकती है।
तो एक कमरा जो है वो दूसरे से लिंक्ड है, तो अभी दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं एक और रूम में जो कि मेजर अज़ीज़ भट्टी के जो भाई हैं नज़ीर भट्टी साहब, उनका है। और ये कमरे मुयार मैं देख रहा हूँ बड़े छोटे छोटे से हैं, सिर्फ एक बड़ी मुश्किल से एक चारपाई मेरा ख्याल है उसमें आ सकती है, ठीक है। और फिर वो दरवाज़ों को मैं देख के बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि वही कहते हैं ना कि वो दियार लकड़ी जो होती है वो बाकी नज़र आ रही है कि वो उस टाइम की दियार लकड़ी लगी और अब उसको पॉलिश किया गया है, तो ऐसे नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं। जी सर, बिल्कुल इसी तरह। और ये दूसरा कमरा भी इसके साथ बिल्कुल लिंक्ड है सर। जी हम चलते हैं। ये कमरा भी मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद उनके भाई का कमरा है, और ये रशीद भट्टी साहब जो अज़ीज़ भट्टी साहब के भाई हैं, ये नज़ीर भट्टी और रशीद भट्टी, ये दो भाई उनके थे जो कि एक शहीद हुए हैं और एक जो है वो हांगकांग में मेरा ख्याल है अभी भी। जी वो 16 ईयर्स की एज में वो उधर ही हांगकांग में शहीद हो गए थे, फिर उसके बाद फैमिली यहाँ उनकी वालदा के इसरार पे सारी फैमिली मेजर अज़ीज़ भट्टी की शहीद की इधर पाकिस्तान मुंतकिल हुई। तो अभी ये हम आपको नेक्स्ट आगे भी दिखा रहे हैं कि ये बेसिकली मेन हॉल है और यहीं पर सारी फैमिली है। सरदार भट्टी रूम, और ये भी अज़ीज़ मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद के भाई हैं। अच्छा, उनका अभी हम रूम आपको दिखा रहे हैं। तो फर्दर ये दरवाजे भी देखिए सर, बड़ा क्लासिकल। हाँ बिल्कुल, ये और ये वो कुंडियाँ हैं जो मैंने अपने घर में देखी हुई हैं बड़ी सर, ये जबरदस्त, ये मतलब वही सारी चीज़ें बड़ी सर। वो तो फिर आपकी भी यादें हैं वो भी ताज़ा हो रही हैं, रिवाइज हो रही हैं ये। और ये मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद की जो है वो यहाँ पे तस्वीरें जो है वो नज़र आ रही हैं, जहाँ सर एक चारपाई नज़र आ रही है, चारपाई भी है मेरा ख्याल है। अब ये नहीं पता कि ये उनके इस्तेमाल में रह चुकी है सर, ये मुझे तो लग रहा है कि ये इस्तेमाल ही वाली है क्योंकि जिस कदर ये पुराना नया लग रहा है। और ये चेयर भी मेरा ख्याल है पुराने ज़माने की चेयर है, तो ये सारी वो चीज़ें मेरा ख्याल है यहाँ पर रखी गई हैं जो उनके इस्तेमाल रही हैं। तो ये चारपाई भी अगर हम दिखा सकें, मेरा ख्याल है कि ये भी हो सकता है इसको दोबारा से रीन्यू किया गया हो, लेकिन क्योंकि जो फ्रेम है सर, हाँ, वो फ्रेम बहुत सॉलिड फ्रेम है, मतलब ये आम फ्रेम नहीं जो आजकल की उसके होता है, ये काफ़ी सॉलिड फ्रेम है और काफ़ी भारी चारपाई लग रही है ये। तो सर ये भी रूम बिल्कुल उसी साइज़ के छोटे छोटे, बिल्कुल सेम साइज है, छोटा छोटे छोटे बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट वन सर सिटिंग एरिया है यहाँ पे, और फिर इसके बाहर आके एक और सेटिंग एरिया है जिसमें अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं। और ये इस सेटिंग एरिया के बारे में बताया जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पे जब मेजर अज़ीज़ भट्टी की शादी हुई थी तो सेहराबंदी यहाँ पे हुई थी और यहाँ से ही बारात गई थी और फिर वहाँ यहाँ पे दोबारा बारात लेके आई गई थी। और सर ये वही रूम है कि जिस तरह आप बता रहे हैं शादी वाला सारा मामला सेहराबंदी यहाँ से हुई फिर फर्दर, और सर वही जगह है जहाँ मेजर अज़ीज़ भट्टी जब उनको वो ख़त वसूल हुआ था तो इसी जगह पे बैठ के खाना खा रहे थे, नाश्ते का वक्त था, तो यहाँ से उनको वो ख़त वसूल हुआ, फिर अपनी फैमिली के साथ सारे वो चीज़ें हम बता चुके हैं। और आखिर में ये चीज़ की यही वो जगह है जहाँ से मेजर अज़ीज़ भट्टी जब शहादत के मरतबे पर फ़ाइज हुए, जब अल्लाह ताला ने उनको इतना अजीम मरतबा अता फरमाया, तो इसी जगह से जनाजा जब उनका जैसे खाक की लाया गया तो यहाँ रखा गया और यहीं से उनका जनाजा रवाना किया गया नमाज जनाजा के लिए। और सर ये मेरे लेफ्ट साइड पर मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद, हम पहुंच चुके हैं सर, सर हम पहुंच चुके हैं फाइनली वो जगह, वो रूम, वो चार दीवारी जिसके लिए हम इतना लंबा सफर तय करके आए सर। देखिए हाँ। वो एहसास सर, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। जी जी आ जाएं, बल्कि आपको दिखाते हैं, आपकी एक्साइटमेंट भी दूर करते हैं। वाह सर वाह, वाकई जो है वो एक जो मेजर होता है, जो एक मैं समझता हूँ जिसको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रुतबा दिया है, उनके रूम में आके लग रहा है कि वाकई जो है वो एक ऐसे बंदे का रूम है जिनकी इतनी रोब है। और अगर आप उनको देखें, उनकी माशाल्लाह से उनकी आंखें, उनका चेहरा जो है वो जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया, फिर वो रोबदार चेहरा और फिर जो मर्तबा उनको मिला है, मैं समझता हूँ उनके कमरे को देख के ये सारे चीज़ों की जो है वो मैं समझता हूँ कि वो खुद ही बता रही हैं वो चीज़ें कि ये वो कमरा है, ये वो जगह है जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रही है। सर ये अलमारी, इसको मेजर साहब भी हाथ लगाते होंगे जब इसको यूज़ करते होंगे। हमें भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इस पर सर अगर मिल जाए। वाह सर, आप ये देखें जी, ये वो अलमारी है जिसके जिसमें वो किताबें अपनी रखते होंगे, जिसमें वो अपनी चीज़ें रखते होंगे। और मैं तो
मेरे पास तो अल्फाज नहीं है सर, वो मुझे मिरर भी सर एक नज़र आ रहा है वो, हाँ, चेक, वो देखें, ये मिरर मेरा ख्याल है कि हाँ, और ये भी डेफिनेटली उनकी ज़ेर इस्तेमाल रहा होगा। और ये रोशनदान आप जो देख रहे हैं ये पुराने ज़मानों में मतलब ये उसके लिए हवा के लिए वेंटिलेशन के लिए रखे जाते थे, और ये वही मतलब जो बहुत पुराने घर अगर आप देखें तो उनमें ये इस तरह के रोशनदान नज़र आते हैं। जी नाज़रीन, अभी वो चीज़ जो मुझे भी पता चली है सर, ये देखें ये कैबिन्स हैं, हाँ ये देखें, और ये वो मेन कैबिन्स हैं जो हर बंदा यूज़ करता है पूरे उसमें, बिल्कुल ये ऑब्वियसली ये स्पेशली स्पेसिफिकली जो मेजर अजीज़ भट्टी के वालिद साहब हैं उन्होंने अपने सारे बच्चों के लिए ये तैयार करवाए हैं सर। देखें 1 2 3 4 5 6 7 तीन बहनें, 2 बहनें और 5 भाई, ये उन सब के लिए एक एक के यूज में था, और सब इसके अंदर अपनी अपनी किताबें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, हर एक को स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड थी। सर ये देखिए भी आज बिल्कुल अपनी जेन्युइन जो है ना उसके अंदर अपनी कंडीशन में मौजूद है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए असासा हैं, जो हमारे हीरोज़ की हमारे लिए पास निशानियाँ मौजूद हैं। तो अभी हम यहाँ एक हमारे पास गेस्ट भी मौजूद हैं जो यहाँ के केयर टेकर हैं, और उनका नाम बशीर साहब है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे बड़े मुख्तसर से वक्त में। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, उनके बचपन से लेके शहादत तक की जो सारी लाइफ है उसके ऊपर एक शॉर्ट से उनसे सारा एक इंटरव्यू भी करेंगे, और वो उसकी डिटेल हमें बताएंगे। तो आइए अब आप उनसे मिलवाते हैं। जी तो जनाब, अभी हम मौजूद हैं उस जगह पर जहाँ मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने अपना यहाँ पर उनकी सहराबंदी भी हुई, और इसी जगह से उनका जैसे खाकी भी यहाँ से जनाजे के लिए रवाना हुआ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उन इस सारे घर के जो केयर टेकर हैं, उनके मज़ार के जो केयर टेकर हैं उनके पास। तो पहले उनका तारुफ जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। वालेकुम सलाम। जी बशीर साहब, आप कब से यहाँ मौजूद हैं? मुझे तकरीबन यहाँ 17 साल हो गए। बशीर साहब, मुझे थोड़ा सा आप ये बताएँ कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, आप उनके बचपन के बारे में क्या जानते हैं? ये सारे इनके वालद साहब वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर थे हांगकांग में। जब दूसरी जंग अजीम लगी है ना, तो एक इनका बड़ा भाई बशीर भट्टी वहाँ शहीद हो गया। तो उसके बाद इनकी वादा ने कहा हम अभी यहाँ हांगकांग नहीं रहना, हमें पाकिस्तान वापस जाना है। तो 1944 ये पाकिस्तान आ गए। जी तो बशीर साहब 1944 में जब वो पाकिस्तान आए तो 1946 में मेजर साहब की शादी हो चुकी थी? नहीं सर, इनकी हुई है 1951 1951 में। जी जी। तो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने कमीशन के लिए अप्लाई किया, तो उनके उधर काकूल के अंदर भी एक दो यादगार वाकया है, वो उसके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को पहले मैं दस रहा सर। ये 1945 आम सिपाही भर्ती हुए हैं एयरफोर्स में, उसमें अंग्रेज लोग पंजाबी या पाकिस्तानी लोगों को अफसर भर्ती नहीं करते थे। तो जब दोनों भाई ये भर्ती हुए सरदार भट्टी और अजीज़ भट्टी, जब पाकिस्तान बनाया तो 1948 इन्हें कमीशन अप्लाई किया है। जब ये कोर्स कर रहे थे काकूल में, तो कर्नल अनामुल हक साहब इनको लेक्चर दे रहे थे, ये इन्होंने 15 मिनट लेक्चर सुना है तो इनको नींद आ गई। तो कर्नल साहब देखे हंस पड़े, देखो अजीज़ भट्टी सोया हुआ है, इसको सोने दो। 45 मिनट भट्टी साहब सोए हुए हैं, तो कर्नल साहब ने जाकर ना जब लेक्चर ख़त्म किया तो उन्होंने कंधे पे हिलाया उनको, भट्टी आप सोए हुए हैं, आपने लेक्चर नहीं सुना, सिर्फ 15 मिनट लेक्चर सुने, तो आप सजा के लिए तैयार हुई हो? नहीं सर, मैं आपका हुक्म मानता हूँ लेकिन लेक्चर पर सोते हुए सो रहा हूँ। तो कर्नल साहब ने कहा अभी कर्नल साहब को सुनाओ। तो भट्टी साहब ने कहा मैं यहाँ खड़े होकर सुनाऊँ या उधर आके खड़े होकर सुनाऊँ? उन्होंने कहा इधर आओ, उधर ही चले जाओ। उन्होंने वहाँ जो कर्नल साहब खड़े थे, उन्होंने जब 15 मिनट का लेक्चर सुना था वो ये आगे पीछे हुआ है, जो 45 मिनट लेक्चर सोकर सुना है उन्होंने मुकम्मल उनका लिखा हुआ सुना दिया। वो लेक्चर था फौजी, किताबी लेक्चर भी था। तो कर्नल साहब ने अपने सीने पर लगाया कि आप अपना नाम रोशन करेंगे। ज़बरदस्त जनाब, ये आपने वो चीज़ हमें बता दी है कि जो हमारे नाज़रीन ने पहले कभी नहीं थी सुनी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो मज़ार हमारे मतलब बहुत अक्सर ये होता है कि कब्रें जो है वो कब्रिस्तान में होती हैं, लेकिन इनका मज़ार बिल्कुल सामने मुझे नज़र आ रहा है यहाँ बैठ के भी, तो यहाँ पर इनको दफन करने की वजह क्या है वो ज़रा बताएं सर। सबसे पहले जिस घर में हम बैठे हुए ना,
ये रात को सोए थे 12 बजे को ख्वाब आया कि दो कबूतर चमेली के फूल बना रहे हैं। वो उसी वक्त उन्होंने वालदा को जगाया, अम्मी ख्वाब बड़ा अजीब आया आज का, ऐसा ख्वाब मुझे नहीं आया था, अभी तक खुशबू आ रही है उन फूलों से। तो माँ कहती बेटा अभी सो जाओ, सुबह किसी आलम से पूछेंगे। पुराने दौर में लोग आलमों से ये पूछते थे। जब सुबह मदनी मस्जिद से नमाज पढ़ कर आते हैं तो कब्र की खुशबू, कब्र की जगह से धुआं जो है ना खुशबू वगैरह वो बहुत आ रही है। इन्होंने वहाँ जाकर ना देखा बहुत खुशबू आ रही है। यहाँ इन्होंने क्यारियाँ बनाई थी फूलों का, इन्होंने क्यारियों का बड़ा शौक था। वहाँ इन्होंने चमेलियों गुलाब के फूल निकाले हैं, वहाँ 6 फुट फूल लगा दिए। तो माँ आ गई हुई कि बेटा ये फूल क्यों लगा रहे हो, ये माल्टियों का बाग है, यहाँ बच्चे आके ये तबाह कर देंगे। आते अम्मी जी ये जगह मुझे जहाँ मुझे बहुत खुशबू आ रही है। माँ को नहीं आई, माँ वापस आ गई, माँ को आवाज लगाई अम्मी का मेरी बात सुनो, ये जगह आपको किसी वक्त याद आएगी। उसी दिन 10 बजे टेलीग्राम आई, पूरी फैमिली ने मिल के जाते थे। उन्हें कहे एक बच्चे ने सुत्या छड़ के जाते अपने कमरे से, जुल्फी साहब ने कहते इन जगाने नहीं, मैं लाहौर नहीं जाने देगा। जो वो अजीब भट्टी साहब टांगे से बहते जो फ्लैग लगा झंडे वाला, वो टांगे का दंद से उत्थे जाते हैं, तो पिछू अब्दुल्ला साहब इतों उठ के जाते हैं, तो आते हैं जुल्फी बाप को मिलने, इन्हें वापस को नहीं आना। वो नसे जाते हैं, उन्हें नंगी पैरी बाप को थले लाते, बैग लाया पापा जी तो तुम हूँ छुट्टी रही कट्ठे लाहौर चलाने, आंता पुत्र जो जंग लग जाती है छुट्टी खत्म हो जाती है। उन्हें उत्थे मौका वहा के असी पापा जंग फतह करके आना, मैंने ला दी वापस दी। क्या बात। उसी दौरान उन्होंने कहा अब्बा जी मैं एक मेरी एक शरत है, मैं घर छड़ के आओ। इन्ना फासला भी नहीं, प्यार करते हैं घर छड़े आते हैं, पूरी फैमिली अफसरुदा बैठी होंगी गमजदा। तो कहते हैं अब्बा जी जिंदगी का कोई पता नहीं, मैं वापस आना या नहीं आना, कल मेरे बच्चे का लाहौर समान लिया। 4 तरीक को अब्दुल्ला साहब जाते हैं समान लिया। ज़बरदस्त जनाब, माशाल्लाह आपने वो सारे फैक्ट्स हमारे सामने रख रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप ये भी बताते चलें कि जब जंग पे मेजर साहब लाहौर पहुंच गए तो वहाँ पे जंगी हिकमत अमली और जो कर्नल का इनको फ़ोन आया, इस मुतालिक थोड़ा सा डिटेल बता दें। सबसे पहले सर कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, पहले कि इन्होंने ये पहले बड़ी ड्रमाई अंदाज में जंग लड़ी है। इन्होंने जवानों ने कहा वो जवान आगे आ जाओ जिनकी शादियाँ नहीं हुई, 32 लड़के गया है। उन्हें चले चलो 4 लड़के वो चल लड़के वापस चले जाओ, जेडे एक एक माँ बाप के बेटे ने या जिनके माँ बाप बहुत सेफ ने, 4 लड़के वापस चले। ठिया जो उन्होंने माइन बना टैंक रखे जिन्हें कबर भी नहीं है, फिर दुश्मन फिर भी भागा। फिर उन्हें क्या एक हवालदार को हुक्म दिया कि ये पुल तोड़ दो। कहता सर मेरा रूह कुटो खराब हो गया। कहता आखिरी मुझे जान देने, फिर उनके जान दो। उसने अपने जिस्म के माइन बांधा है, पुल के ऊपर छलांग लगे, उसके जिस्म के लोथरे उठे हैं, धमाका हुआ है, पुल टूटा है, दुश्मन फिर नहीं भागा, उनसे लोहे का पुल बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद ही फिर कर्नल शकत बलोच का फोन आ गया, जो वो आर्मी ने बोर्ड बनाया कर्नल शकत बलोच की तस्वीरें। तो जीबर तस्वीर ने छम जोड़े से फ़ोन किया, भट्टी आज लाहौर पे कब्जा हो रहा है, 30,000 इंडियन फौज, 600 टैंक का हमला है, 50 जगह जहाज़ ने। इंडिया के चीफ ने दावा किया कि सुबह की फौज सारी नाचता लाहौर जेम खान क्लब करेगी और शाम का खाना हम अटकपोल पर खाएंगे। तुम 195 बजे की कर सकते हो लाहौर तो इस सूरत कब्जा होने का लाहौर सारी फौज मौजूद नहीं है, और 5 दिन तुम लगातार जागते भी रहे हो। तो अजीब भट्टी साहब ने बड़े जोश में जवाब दिया कि जिसकी माँ का नाम आमना हो, बाप का नाम अब्दुल्ला हो, भारत की आप पूरी दुनिया लोगों ने पता कर सकती है। कर्नल साहब के अखा चथरू आके इन्हें फ़ोन बंद कर दिया, इन्हें ऊपर इशारा कर देखा, ए अल्लाह तेरी यार की माँ का नाम है तो बाप ना अब्दुल्ला है, नस्बत नहीं मिलती, मेरी माँ का नाम आमना है तो बाप ना अब्दुल्ला है, अज तेरी मदद की जरूरत पै गई, दुश्मन से आंदा असी काम हाँ, और मैं अपने बेटे ने ला दियाँ वादा करके आया। मेरे 8 साल मासूम बच्चे ने कहा पापा जंग फतह करके आना है और वरना लादियाँ वापस नहीं आना। उस बच्चे की अल्लाह दुआ कबूल करना है। उस वक्त दुश्मन ने जिधर देखा है चारों तरफ फौज नज़र आई है, वो तस्दीक सुखदेव का गवर्नर का नाँ अरबी लिखे है कि हजूर पर ख्वाब च मिले ने कि अज असी लाहौर शहर जा रहे हैं, साड़ी माँ तो बाप का ना लिया गया लाहौर शहर फतह नहीं होगा। उन्हें तबाहियाँ ला दी, तलवारा गर्दना लाड़ियाँ टैंक छड़ के लाशा छड़ के दुश्मन ने नसना शुरू करता है। कैप्टन सर मुबारकबाद दी कि दुश्मन तो दौड़ता पे है, इन्हें दूर भी ला के बीरबीर नहर चले ने। वापसी की पहला गोला उन्हें जहाज का मारिया, उन्हें लगा कि जवान साढ़ा शहीद हो गया, गर्दो बार दोवें दार नीचे नहीं वापस आए। तो कैप्टन सर ने आवाज भी लगाई है, फिर दूसरा गोला उन्हें टैंक का मारिया, टल के टाँ टूटे ने, 2 पीस महफूज किए ने, सज्जे कद्दे लगे ब्लड निकलिया, उच्ची 2 दफ़ा कलमा पड़िया, जमीन तक गिर गए।
उत्थे पुलिस वारदात हुई, एस एच ओ लाला मूसा ने पुलिस की वारदात सुनी है, फौरन पुलिस का सिपाही भेजे, असी पड्डी वारदात रौला पीए 7-8 मिनट कट्ठे होकर 11 सितंबर 8 बजे बाडी पहुंची है, जिथे तुसीं बैठे हो बाडी रखी गई है। 12 सितंबर को जनाजा उठाया, जिथे बीवी की कबरे जनाजा पड़ाया गया, जिदू जना जिन्हें बंद दफन किया मोहम्मद सन गुजर साढ़े हमसाए मौजूद रहे, उन्हें कहा जिस वक्त अजीब पट्टी उसका दफन किया मैं अपने हाथ से कबर च रखे है, तो पूरे चेहरे दबदबे खून से, क्लीन शेव ताज़ा सी, कंघी हाथी लगी सी, सज्जे कंधे खून बह रहा है, उस सिर पर मिट्टी लगी सी। जनाजा पढ़ाने वाला से मौलवी मोहम्मद आजम उदा पिंड। क्या बात है, जबरदस्त जनाब। जिन्हें दिन ये वो मनाजर थे, ये जो अभी जिस तरह भी ये बयान कर रहे थे, ये वो सारे मंजर जो है वो आँखों के सामने आ रहे थे। और ये फिर मैं ये कहूँगा कि ये वो हस्तियाँ थी, ये वो मर्द मुजाहिद थे, जिसकी वजह से आज हम और आप एक आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं, जिनकी बदौलत और जहाँ पे हम इस टाइम मौजूद हैं। ये फिर मैं यही कहूँगा कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पे आए, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद भी है। कभी भी अगर आपको टाइम मिले या यहाँ पे आना हो तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। और आज के प्रोग्राम को मेरा आलम यहीं पे साइन आउट करते हैं। जी सर, और सर बिल्कुल अभी प्रोग्राम हम एंड कर रहे हैं, और आज जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल नाकाबिले बयान है। अगर आप भी ये सारा महसूस करना चाहते हैं तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि लाजमी तौर पर यहाँ पर आएँ। ये हमारे वो हीरोज़ हैं, ये वो कुर्बानियाँ जो इन्होंने दी हैं, ये वो नाकाबिले फरामोश कुर्बानियाँ कि जो देने के मुतलिक सोच भी नहीं सकता, कि जिन्होंने अपनी जान तो कुर्बान कर दी, अपने माल और अपनी जान से जिन्होंने हर चीज़ अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन दुश्मन को अपनी ज़मीन के एक इंच के ऊपर आने की भी इजाज़त नहीं दी। तो इन लोगों की कदर करें, इन अपने हीरोज़ को याद करें, अपने बच्चों को इनका बताएं, ताकि हमारे आने वाली नस्लों में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जैसे निशाने हैदर पैदा हो सकें। सर आप मैसेज एंड पे दें और फिर साइन। बिल्कुल, मैसेज यही है कि ये हमारा एहसासा है, ये जगह और ये कहानियाँ जो हम सुनते हुए आए हैं, और आप भी अपने बच्चों से रोमैन ने कहा कि अपने बच्चों में ये कहानियाँ ज़रूर उनको सुनाएं, ताकि बहादुरी के ये किस्से सुन के हमारे हमारी आने वाली नस्लों में से भी कोई मेजर अजीज़ भट्टी शहीद पैदा हो। तो आज के प्रोग्राम को यहीं पे साइन आउट करते हैं। चल हम आपको पाकिस्तान की जो रियल इमेज है दिखाते रहेंगे, और हमारे साथ रहे, देखते रहें, ये है पाकिस्तान, द रियल इमेज ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।